आजकल पाकिस्तान में एक बड़े बजट की फिल्म के काफी चर्चे हैं। द लेजेंड ऑफ मौला जट टिकाने वाली पाकिस्तानी पंजाबी जबान की एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसकी हिदायतकारी और तहरीर बिलाल लाशवारी ने की है और इसे इंसाइक्लोमीडिया के प्रोडक्शन बैनर के तहत अमारा हिकमत और डॉक्टर असद जमील खान ने प्रोड्यूस किया है। ये 1969 के कल्ट क्लासिक मौला जट का रीबूट है। फिल्म में फवाद खान मरकजी किरदार में हमजा अली अब्बासी, माहिरा खान और हुमायमा मलिक के साथ जलवागर होंगे। ये फिल्म 13 अक्टूबर 2022 को थिएटर में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म को अब तक की सबसे महंगी पाकिस्तानी फिल्म करार दिया गया है। द लेजेंड ऑफ मौला जट में अफसानवी दुश्मनी का एक जदीद तरीका दिखाया गया है। इसमें एक मुकामी हीरो जिसका नाम मौला जट है, एक सफाक गैंग के सरगना नूरी नाथ से मुकाबला करता है। 14 दिसंबर 2013 को एक्सप्रेस ट्रिब्यून के साथ एक इंटरव्यू में बिलाल लाशारी ने ऐलान किया कि वो मौला जट की हिदायतकारी करेंगे। उन्होंने कहा कि ये मेरी तरफ से गंडासा फिल्मों को एक नजराना होगा जिन्हें लॉलीवुड सिनेमा की मौत का जिम्मेदार करार दिया जाता है। वो कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि गंडासा फिल्में पाकिस्तानी सिनेमा के लिए एक बेहतरीन चॉइस हो सकती हैं, और इससे अच्छा क्या हो सकता है कि इस फिल्म की रीबूट के जरिए कल्ट क्लासिक मौला जट को खराज तहसीन पेश किया जाए। हमजा अली अब्बासी ने अपनी फिजिक, एंड्योरेंस और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ पर काफी मेहनत की है। 4 अप्रैल 2014 को लाशारी ने ऐलान किया कि उन्होंने भी फिल्म का स्क्रिप्ट मुकम्मल किया है और उन्हें लीड कास्ट की तलाश है। उनका कहना था कि वार को उसके स्टाइलिस्टिक अनासर की वजह से काफी सराहा गया, लेकिन वार के स्क्रिप्ट पर तनकीद भी काफी हुई, इसलिए मैं मौला जट के स्क्रिप्ट पर ज्यादा वक्त देना चाहता हूँ। 27 मई 2014 को कास्ट का इंतखाब किया गया और फिर फिल्म की शूटिंग शुरू हुई, जिससे ये पता चला कि ये फिल्म 3 जबानों में होगी, अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी। फिल्म की कास्ट का ऐलान हमजा अली अब्बासी ने इनफरादी तौर पर किया। बिलाल लाशारी के मशवरे पर 16 नवंबर 2016 को असद जमील खान और अमारा हिकमत ने प्रोजेक्ट संभाला और अदनान जाफर और शमून अब्बासी को कास्ट से निकाल दिया गया। मार्च 2015 में बिलाल लाशारी ने ऐलान किया कि वो फिल्म की शूटिंग इब्तदाई तौर पर लाहौर से शुरू करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि फिल्म की कहानी पहले हिस्से के बरक्स बिल्कुल नई होगी, ताहम मुकालमे 1969 की फिल्म से लिए जाएंगे। 8 जनवरी 2016 को ये इंकशाफ हुआ कि फवाद खान नूरी नाथ के मुकाबले मौला जट का किरदार अदा करेंगे। फिल्म में नूरी नाथ का किरदार हमजा अली अब्बासी अदा कर रहे हैं और फवाद खान जो है वो मौला जट का किरदार निभाएंगे। फिल्म की शूटिंग रेड एपिक डब्ल्यू कैमरे के जरिए की गई। फिल्म का ट्रेलर 21 दिसंबर 2018 को ईद उल फितर 2019 की रिलीज की तारीख के साथ रिलीज किया गया। ताहम 1969 की फिल्म के प्रोड्यूसर की तरफ से कॉपीराइट के मुकदमे की वजह से रिलीज को मुलतवी कर दिया गया। फरवरी 2020 में दोनों फरीकों के दरमियान एक समझौता तय पाया, जिसके बाद फिल्म को पाकिस्तान और चीन में बयख वक्त ईद उल फितर 2020 पर रिलीज होना था, लेकिन कोविड-19 वबाई अमराज की वजह से इसे गैर मुयन्ना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। जुलाई 2022 में यह अफवाह थी कि यह फिल्म 30 सितंबर 2022 को रिलीज की जाएगी। मुतअद्दद ताखीर के बाद बाज़ाब्ता तौर पर यह ऐलान किया गया कि यह फिल्म 13 अक्टूबर 2022 को रिलीज की जाएगी। इस फिल्म के ट्रेलर को देखकर अंदाजा होता है कि ये एक अच्छी प्रोडक्शन वैल्यू के हामिल फिल्म है। इसमें कहानी काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। फिल्म में मोहब्बत, नफरत, जंग, बदला सब कुछ है और कहानी के हिसाब से देखा जाए तो ये एक पावर पैक फिल्म है। फवाद खान और मायरा खान की जोड़ी सुपर डुपर हिट जोड़ी है। शायकीन बेचैनी से इस फिल्म को देखने के मुंतजर हैं। अदाकारी के लिहाज से ट्रेलर देखकर लग रहा है कि इस पर काफी मेहनत की गई है। हम सब जानते हैं कि मायरा खान और हुमायमा मलिक पंजाबी जबान बोलने में महारत नहीं रखते, लेकिन मुकालमों की अदायगी देखकर लग रहा है कि बाकायदा पंजाबी के लिए ट्यूटर रखा गया था, इसीलिए इसका एक्सेंट बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि इस फिल्म की रिलीज दूसरे ममालिक में भी होगी और जल्द ही इसे नेटफ्लिक्स पर भी देखा जाएगा। हमारी तरफ से
द लेजेंड्स ऑफ मौला जट को बेस्ट ऑफ लक और गुड विशेस। हर न्यूज अपडेट के लिए iNews 365 को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलें, ताकि हर खबर रहे आपकी नजर में।